हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल कुमार पांडे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन। डियर स्टूडेंट, हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो एज यू नो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग जानने का कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, सो हम लोग कैसे जो है मैथमेटिकली अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं या जो एवरीडे प्रॉब्लम्स हम लोग के सराउंडिंग में जो घटते रहते हैं या जो आते हैं हम लोग के पास, उनको हम कैसे मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग आज जो है वो देखने जा रहे हैं बच्चों। तो उसको सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो है फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच जाएंगे उनके सॉल्यूशन पे, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ पांच स्टेप्स जो है वो लिखे गए हैं। पांच स्टेप्स जो है वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको बड़ा अजीब टाइप का लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जब जैसे जैसे बनता चला जाएगा, वैसे वैसे ये जो स्टेप्स हैं वो आपके माइंड में खुद ब खुद जो है वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये स्टेप्स को देखते हैं। पहला जो स्टेप है, रीड द गिवन प्रॉब्लम केयरफुली। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रीवियस सेशन में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बार बार कहते ना कि कुछ चीजें जो है वो आपका इंडिस्पेंसेबल होता है, जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ ये सब चीजें हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये आपका पहला है, रीड द गिवन प्रॉब्लम केयरफुली। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे ढंग से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है आपको कुछ चीजें मिलेंगी। क्या चीजें मिलेंगी? तो आपको जो वो चीजें नोट करनी है कि क्या गिवन है, क्या आपको दिया हुआ है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो बच्चे, जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा अननोन क्वांटिटीज और नोन क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, अब जब भी कोई भी क्वेश्चन, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों को दिखाई देता है क्वेश्चन पढ़ने पे या क्वेश्चन देखने के बाद, किसके किसके बीच में, तो नॉन क्वांटिटीज और अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, तो अननोन क्वांटिटीज को हमें क्या करना है और नॉन क्वांटिटीज को हमें क्या करना है, ये चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, उससे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर टू देखिएगा, डिनोट द अननोन क्वांटिटी। देखिए, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है, तो जो भी आपको अननोन क्वांटिटी मीन क्या दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है, रिक्वायर्ड है, तो आपको जो है वो डिनोट द अननोन क्वांटिटी बाय एनी लेटर एक्स वाई जेड ईटीसी। ठीक है, मैं जो भी आपको अननोन क्वांटिटी आपको लगेगा कि हाँ ये अननोन क्वांटिटी मीन ये निकालना है, हमें जो रिक्वायर्ड है, उनको हम कोई भी वेरिएबल्स जो है या लिटरल्स जो है उनसे हम क्या कर लेंगे, उनको रिप्रेजेंट कर देंगे, डिनोट कर देंगे। एक्स वाई जेड हो सकता है, अल्फा बीटा गामा हो सकता है, एम पी व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन आमतौर पर मैं जनरली यहाँ पे यूज करूंगा एक्स के बारे में। आप लोग भी जो है वो एक्स का ही इस्तेमाल करते होंगे, एक्स का ही यूज करते होंगे, तो मैं भी आपका एक्स का ही यूज करेंगे, आप ही के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं, ट्रांसलेट द गिवन कंडीशन इनटू एन इक्वेशन। देखो बच्चे, करना क्या है कि स्टेप नंबर थर्ड आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे उनको वर्ड बाय वर्ड जो है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो वर्ड बाय वर्ड या स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए क्या करेंगे, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो किसमें एक्सप्रेस करेंगे, तो हम लोग जो है वो जो भी गिवन कंडीशन है उनको हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देंगे, उनको इक्वेशन में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे। राइट, तो ट्रांसलेट कर लेना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दिया उसको ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट करने के बाद जो है आपको इक्वेशन में चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर है क्या कि जो भी आपको इक्वेशन दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के कई तरह के मेथड आपको बताए गए थे, उसमें से जो भी मेथड प्रेफरेबल होगा वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो, चाहे वो ट्रांसपोजिशन मेथड हो। ठीक है, आमतौर पर तो हम ट्रांसपोजिशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी जो दो मेथड था हम लोग के पास, बैलेंसिंग मेथड और एक क्या था,
हीट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसा करके था, हाँ ट्रायल एंड एरर मेथड ही था। तो वो हम लोग जो है वो देखेंगे, आमतौर पर उसका जो उतना यूज नहीं है, आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, उसका वीडियो जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। लास्ट जो आपका स्टेप है वो क्या करना है, अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है, मीन सॉल्यूशन जो आपको निकलेगा, मीन एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू निकलेगी, आपको आपको चेक करना है कि हमारा जो ये वैल्यू आया है वेरिएबल का वो सही है या गलत है। तो आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि हम लोग इक्वेशन को, इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करके सब्स्टिट्यूट करके सेटिस्फाई करते हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये सही है, अगर नहीं होता तो हम लोग कह देते हैं कि गलत है। तो ठीक उसी तरह से हम इसमें भी क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन क्वेश्चन इन द गिवन स्टेटमेंट, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स थे बच्चे जिनको आपको फॉलो करना मस्ट है, बिना फॉलो किए हुए जो है आप क्वेश्चन के थ्रू या क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर सकते हैं। अब जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि जो ये स्टेप्स हैं ये कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। सो डियर फ्रेंड, नाउ वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला जो क्वेश्चन बच्चे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने उठाया है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन उठाया है ताकि आप लोग को एक जो है अंडरस्टैंडिंग बने आप लोग के माइंड में, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपको बस अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। There are two numbers, one of them being four times the other. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर्स है, तो एक नंबर जो है वो दूसरे का फोर टाइम्स है। फोर टाइम्स का मतलब वो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स जो है इसका मतलब हुआ कि फोर एक्स हो जाएंगे। अगर कोई नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या है, फोर एक्स है, थ्री एक्स है, फाइव एक्स है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपका फोर एक्स होगा। देयर सम इज 15. अब देयर सम का मतलब क्या होगा कि उनके सम जो है वो 15 है। तो दो नंबर है तो दोनों नंबर का सम कितना 15 है। तो व्हाट आर द नंबर्स, अब आपको नंबर्स निकालने हैं। तो नंबर्स अब देखो मैंने बच्चे क्या किया है कि स्मॉल नंबर को x मान लिया, ठीक है, कि लेट द स्मॉल नंबर बी x। तो आपका बिगर नंबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स आपको बोला गया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया था कि इन दोनों का सम कितना है 15 है। तो x प्लस 4x इक्वल्स टू 15 हो गया। अब हम लोग जो इनको ऐड कर सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान सा काम है, है ना, कि लाइक टर्म कैन बी एडेड सबट्रैक्टेड। तो यहाँ पे लाइक टर्म है तो 5x इक्वल्स टू 15 हो गए। तो अब जो है ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल्स टू के उस साइड में गया तो आपका डिविजन में आया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 15 अपॉन 5। तो 15/5 को हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 3। तो ये जो x इक्वल्स टू 3 है, तो x हम लोग इनको माने थे स्मॉलर नंबर को, तो स्मॉल नंबर कितना हो गया 3। बिगर नंबर कितना था, तो 4x था, तो 4 × 3 दैट विल बी 12, है ना। तो ये बच्चे आपका दोनों नंबर हम लोग का निकल के चला है 3 और 12। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी आप कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, तो वेरीफाई जो बच्चे बोला था कि देयर सम इज 15, तो हमारे पास दो नंबर निकले हैं 3 + 12, तो कितने आ जाएंगे 15। तो 3 + 12 आपकी 15 और ये दिया हुआ कितना है 15, तो बिल्कुल हम लोग का आंसर सही है। और ओके, आर यू गेटिंग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए है। तो द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रोहन आर इन द रेशियो 4:3, ठीक है। तो राम एंड रोहन का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:3, राइट। अब उसके बाद 4 years लेटर, देखिए जो लेटर की कहानी, एगो की कहानी, हेंस कभी क्वेश्चन में हेंस रहता है, एगो रहता है, अर्लियर रहता है, आफ्टर रहता है, बिफोर रहता है, इस टाइप के अगर जो है वो टर्म आपको मिलते हैं तो आफ्टर है, लेटर है, आफ्टर है, लेटर है, ठीक है, हेंस है, ये सब के लिए वो आपका जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं वो आपका प्लस होता है, ठीक है, ये आपका प्लस होता है। और बिफोर है, बिफोर
एगो, ठीक है, अर्लियर, इस टाइप का अगर टर्म यूज किए जा रहे हैं क्वेश्चन में तो उनके लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा वो यूज करेंगे, माइनस। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोगों का क्लियर हो गया कि आफ्टर लैडर हिंस से रहेगा तो प्लस होंगे और बिफोर एगो अर्लियर रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग इसी रूल पे देखते हैं, तो फोर इयर्स लैडर है बच्चे तो यहाँ पे आपका प्लस फोर होगा। ठीक है, जितने बोलेंगे उतने ज्यादा लोग प्लस कर देंगे। देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 6:5, मीन्स चार साल के बाद जो है उनके एजेस का रेशियो कितना होता है, 6:5 रहता है, तो वाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, हम लोग ये निकालना है। तो देखो बच्चे सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग मानेंगे लेट द रेशियो पार्ट बी एक्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका है, आप ये भी लिख सकते हैं कि सिंस द प्रेजेंट एजेस ऑफ एज गिवन 4:3, सो रोहन एजेस विल बी रोहन इज ऑफ प्रेजेंट एजेस 4x, ऐसे करके कुछ आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह से बनाया है लेट द रेशियो पार्ट बी एक्स, तो देन द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 4x ईयर्स। ठीक है, और जो एंड क्या होगा, रोहन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 3x ईयर्स। ठीक है, अब 4 ईयर्स लेटर, चार साल के बाद कितना होगा राम का एज, तो चार साल के बाद राम का एज जो हो जाएगा वो 4x+4 हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कितना है 4x है, चार साल के बाद 4x+4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सुख ले रहा है। प्रेजेंट एज रोहन का कितना है 3x है, तो चार साल के बाद कितना होगा, तो बाद है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो रोहन का एज जो हो गया वो आपका 3x+4 ईयर हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग का क्या बोल रहा है बच्चा, कि चार साल के बाद उनके एजेस का जो रेशियो होगा वो 6:5 होगा। तो देखिए 4x+4 upon 3x+4 = 6/5 लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका कंडीशन है ये बच्चों हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में आप लोग देखा, अगर नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमने लिखा 5 × 4x+4 = 6 × 3x+4। अब उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रेजेंट एज कितना होगा, तो प्रेजेंट एज जो है देखिएगा आपको ये चीज नीचे लिखना है, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। प्रेजेंट एज कितना होगा, तो 4 × 2 तो कितने हो गए 8 ईयर। ठीक है, और रोहन का कितना होगा, तो रोहन का 3, तो 3 × 2 दैट विल बी 6 ईयर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज राम का कितना हो गया 8 ईयर्स हो गया, और रोहन का कितना हो गया 6 ईयर्स हो गया। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट एज का रेशियो कितना था, 4:3 था, तो इन दोनों को जो है आप डिवाइड भी कीजिए, तो 8/6, तो 4 × 8 and 3 × 6, तो 4:3 देखिए आ चुका है। तो आपका ये आंसर जो x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है बच्चे, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, सो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 15, मींस 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद तो एक आते हैं। ठीक है, सक्सेडिंग टर्म्स भी जो है मीन्स 1 after 2 after 3 ऐसे ऐसे करके मीन्स 1 after another, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 15, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करने के बाद हम लोगों को कितना मिला है, 51 मिला है। तो आपको उन तीनों इंटीजर्स का वो कौन कौन से तीनों इंटीजर्स है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x, x+1, x+2, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे मान लिया। बिल्कुल आपका यहाँ पे लॉजिकल सा क्वेश्चन है बच्चे, लॉजिकल सा क्वेश्चन का लॉजिकल सा आंसर होगा कि अगर कंसेक्यूटिव बोला है तो उसमें जो गैपिंग होगा मीन्स जो कंटिन्यूअस जो नंबर्स हैं उनके बीच में जो गैपिंग होगा वो आपका 1 का होगा। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को x माने हैं तो इसके बाद का जो जस्ट बाद नंबर कौन सा होगा, x+1 वाला होगा, क्योंकि ये जो होगा वो जस्ट आफ्टर आएगा, मींस x के बाद जस्ट आफ्टर कौन आएगा, x+1। अब x+1 के जस्ट आफ्टर कौन आएंगे, x+2। ठीक इस तरह से, ठीक है। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इवन वाले टाइप का, ऑड वाले टाइप का, तो इवन या ऑड वाले टाइप में जो है हम लोग क्या करते हैं कि x है तो आपका दूसरा जो नंबर मींस जो नेक्स्ट नंबर होता है वो x+2 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि कंसेक्यूटिव या नेचुरल नंबर्स अगर यहाँ पे होता, नेचुरल नंबर्स, तो इसमें भी आपका
एक्स, तो नेक्स्ट नंबर एक्स प्लस वन, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन इस पे, इसके लैंग्वेज भले ही चेंज हो सकते हैं लेकिन इस पे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है बच्चे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि तीनों का सम कितना है, 51 है। तो देखिए मैंने तीनों का सम 51 लिख दिया है। अब उसके बाद जो है वो आपका सॉल्यूशन किया गया इसका, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 3x हो गए, 12 प्लस टू कितने हो गए 3 हो गए, इक्वल टू 51। ये भी आसान सा क्वेश्चन कर सकते हो आप, तो 3x, अब इसको जो है 3 को मैं ट्रांसपोज किया राइट साइड में, तो 51 माइनस 3 हो गया, ये 48 हो गया, फिर ये 3 से आपका कैंसिल हुआ तो 16 आ चुका है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंज्यूमिंग इंटीजर्स है वो x है, तो x की वैल्यू कितनी 16। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा x प्लस 1 है 17। फिर थर्ड कौन सा है 16 प्लस 2 तो 18। अब हमें चेक करना, वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम एड कर लेंगे। तो 16 प्लस 17 प्लस 18 देख लेते हैं, तो 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, 15 प्लस 6 कितने हो गए 21 कैरी रहा आपका 2। ठीक है, और 3 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो 51। तो ये देखिए बच्चा आपका, ये हम लोग का आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका है, LHS इक्वल्स टू RHS आ चुके हैं। ठीक है, अब जो बच्चे हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर से और डिजिट से क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस पे जो है वो आपका फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, तो दो डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स का सम कितना दिया हुआ है 12, उसके डिजिट का सम कितना दिया हुआ है 12। एंड द नंबर ऑब्टेन, द नंबर ऑब्टेन बाय द चेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर। अब देखो वह नंबर, वो कौन सा नंबर जो कि डिजिट के इंटरचेंज करने पे, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज का मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि जो टू डिजिट नंबर में आपका एक यूनिट प्लेस होगा और एक आपका टेंस प्लेस होगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो है वो आपका टेंस प्लेस बन जाएगा और टेंस प्लेस जो है वो आपका यूनिट प्लेस बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरचेंजिंग, मीन्स एक दूसरे का प्लेसिंग जो है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंजिंग का मतलब है एक दूसरे का प्लेसिंग चेंज हो जाएगा। एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54, तो जो ओरिजिनल नंबर निकलेगा, सॉरी जो न्यू नंबर निकलेगा वो ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा होगा, 54 अधिक होगा। एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, एक्सीड्स का मतलब हुआ ज्यादा, तो 54 ज्यादा होगा, कौन, न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 54 ज्यादा होगा, ये आपके क्वेश्चन में बोला गया। तो आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर क्या है। तो इसको बच्चा हमने बनाया है कि लेट वंस प्लेस बी एस एक्स, और इसको जो है आप यूनिट प्लेस भी मान सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट में जो है वो हम क्या लिखे हैं, टेंस प्लेस भी 12 माइनस एक्स। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ये इस टाइप का चीज जो है वो आपको मानना पड़ेगा। क्या करना है कि दोनों डिजिट का सम कितना है 12, तो एक आपका एक्स है तो दोनों जो सेकेंड वाला होगा वो 12 माइनस एक्स हो जाएगा। तभी तो देखिए दोनों को एड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये से कैंसिल होकर के आपके 12 आ जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे और तो दूसरा आपका क्या होगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता डिफरेंस, ठीक है यहाँ पे सम ना बोल के क्या अगर बोला होता डिफरेंस, तो डिफरेंस बारे में हम लोग क्या करते हैं कि एक अगर x है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 12 अगर हम डिफरेंस बोल रहे हैं तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा x x माइनस 12, अगर सम बोल रहे हैं तो x और 12 माइनस एक्स होगा। मीन्स आपको ये चीज तो कंफर्म हो गया कि दोनों में तो माइनस नहीं होगा लेकिन एक में आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक में आपका क्या उल्टा हो जाएगा, एक x में x माइनस 12 होगा तो दूसरे में आपका 12 माइनस एक्स होगा। चलिए हम लोग को बच्चे ओरिजिनल नंबर क्या निकल जाएगा, फिर तो ओरिजिनल नंबर निकलेगा कोई भी दो डिजिट का नंबर बच्चा, जैसे मान लीजिए आपका 21 है, तो 21 वन जो है वो आपका यूनिट प्लेस पे है और टू क्या है टेंस प्लेस पे, तो हम लोग इसको क्या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को प्लस 1 इंटू 1, तो 20 प्लस 1 दैट विल बी 21। इस तरह से हम लोग नंबर आ जाता है 21, है ना। तो यहाँ पर वही चीज किया है कि जो टेंस प्लेस पे उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, और जो यूनिट प्लेस पे है इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया है 120, इनको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 हो जाएगा, फिर ये x से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 10x प्लस
यहाँ पे x इंटू वन एक्स हुआ, तो माइनस टेन एक्स प्लस एक्स कितने आ गए 120 माइनस 9x, तो जो ये हमारा ओरिजिनल नंबर आया वो हमारा कितना आ गया 120 माइनस 9x। ठीक है, अब इंटरचेंजिंग करने पे हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे क्या मिला है, डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे क्या मिला है, तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों की डिजिट्स के इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि यूनिट प्लस जो है वो आपका टेंस प्लस पे आ जाएगा और टेंस प्लस जो है वो आपका यूनिट प्लस पे आ जाएगा, मीन्स अपना प्लेसिंग चेंज कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये क्या था, ये आपका टेंस प्लस पे था तो यूनिट प्लस पे चला गया, देखिए आपका 12 माइनस 6 इंटू 1 किया गया, ये अभी क्या है यूनिट प्लस पे है तो ये टेंस प्लस पे आना चाहिए, तो देखिए आपका 10 इंटू x किया गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करने पे देखिए 10x प्लस 12 इंटू 1 तो 12 माइनस x इंटू 1 तो यहाँ पे माइनस 6, तो 10x में से x चला गया तो 9x प्लस 12 आपके ये न्यू नंबर आ गए। तो ओरिजिनल नंबर है आपका 120 माइनस 9x और न्यू नंबर है आपका 9x प्लस 12। अब जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 54 अधिक है, x का मतलब क्या हुआ था अधिक, तो 9x प्लस 12 इक्वल टू कितना लिखेंगे 120 माइनस 9x प्लस 54, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर है तो ओरिजिनल नंबर ज्यादा हो रहा है तो हम लोग इधर ऐड करेंगे, ठीक है राइट साइड में ऐड करेंगे, ज्यादा कौन है ये है तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए इधर ऐड करेंगे ना कि इधर ऐड करेंगे। बच्चे लोग जो है कुछ बच्चे लोग बिल्कुल ये गलती करते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चाहे जो भी हो उनके लिए, लेकिन और कभी कभी किसी केस में आंसर आ भी जाता है तो ये बाय चांस आ जाता है आंसर, ठीक है आप ये मत समझिएगा कि आंसर जो है वो इसी से आ जाता है, ठीक है ये गलत है तरीका, ये प्रोसीजर ही नहीं है, ठीक है आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि ये बड़ा है मीन्स ये अधिक हुआ है तो हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है अगर ये कम होता तो फिर हमें इसमें भी कम करना पड़ता, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वो इनको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है तो ये है आपकी कहानी, मल्टीप्लीकेशन है एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, एक्सिस बोला तो इधर हम करेंगे, डिफरेंस बोल रहा है तो आपको इधर करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है तो हम इधर करेंगे, डिविजन बोल रहा है तो हम इधर करेंगे, ठीक है मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए जो है हम लोग को सारा काम इधर ही करना पड़ेगा, अगर इसके बारे में कुछ बोला होता तो हम लोग इधर करते, ठीक है चीजें क्लियर हो रहा है। तो अब इसको जो है हमने क्या किया बच्चे कि इसको सिंप्लीफाई किया है तो वेरिएबल को एक तरफ कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर दिए हैं, तो ये 9x है माइनस 9x है इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, तो ये देखिए 9x प्लस 9x मैंने 18x लिख दिया, फिर 120 प्लस 54 को मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, फिर ये 12 को मैंने ट्रांसपोज किया राइट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 12, तो 18x इज इक्वल टू 120 प्लस 54 कितने आ गए 174 माइनस 12 तो यहाँ से आपका 162 आ गया। तो फिर देखिए यहां से x इक्वल टू 160/18 तो ये आपका 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 स्पेस पे कितना डिजिट आ गया 1 स्पेस का डिजिट कितना आया 9, x की वैल्यू 1 स्पेस पे कौन था x था तो x की वैल्यू 9 आई तो ये 9 हो गया, 10 स्पेस पे कितना है तो 12 माइनस 6 तो 12 माइनस 6 का मतलब 12 माइनस 9 दैट विल बी 3, तो यहां से आप जो है आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि 3 इंटू 10 प्लस 9 दैट विल बी 30 प्लस 9 सो 39, लेकिन मैंने क्या किया है कि ओरिजिनल नंबर मेरा इतना आया था तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू इसमें पुट अप कर दी है तो 120 माइनस 9x तो 120 माइनस 9 इंटू 9 तो 120 माइनस 81 दैट विल बी 39, तो 39 यहाँ से आपका आ गया। अब यहाँ पे आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, तो चेक कैसे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा था कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12, पहले सवाल पढ़ लिए तो देखिए यहाँ पे जो 1 स्पेस पे डिजिट आया वो 9 आया है, 10 स्पेस पे डिजिट कितना है 3 आया, इन दोनों को ऐड कीजिए देखिए आपका 12 आ रहा है, तो पहला केस वेरीफाई हो गया। अब सेकंड केस इसमें क्या बोला था कि द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54, तो अब जो है हम इसमें रखेंगे तो इसमें कितना आ गया 39 आ गया, अब ये न्यू नंबर में रखिए ये न्यू नंबर कितना है 9x प्लस 12 है, ठीक है मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो 9x प्लस 12 है तो हम लोग इसमें रखते हैं 9x प्लस 12 है तो x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 9 इंटू 9 प्लस 54 यानी 81 प्लस सॉरी 81 प्लस 12 कितना आ गया 3 और ये 9 तो 93, अब 93 और यहाँ पे कितना आ रहा था 39 आ रहा था ना पहले पे, तो 93 को हम 39
में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितने आ जाएंगे, तो 3 में से 13 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 4, और ये आपका 8 बचा, 8 में से 3 गया 5, तो ये देखिए 54 आपका आ गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो गए। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट वेरीफाई हुआ, हम लोग का जो वैल्यू निकला है उससे आपका दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि ये आंसर जो आया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनाओ वी कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, ठीक है यहाँ पे फ्रॉम वन होगा, फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। तो एक स्टीमर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे लोग फंसते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 6 आवर्स। तो 6 घंटे में जो है एक स्टीमर, स्टीमर मतलब समझते हो आप, स्टीमर का मतलब हुआ कि जो पानी में चलने वाला सीप होते हैं उनको हम कहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ बच्चे कि जिस डायरेक्शन में स्टीमर चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका वाटर का फ्लो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका मोशन ऑफ स्ट्रीम है, मोशन ऑफ स्टीमर, ठीक है, मोशन ऑफ स्टीमर और मोशन ऑफ स्ट्रीम, मोशन ऑफ स्ट्रीम या मोशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी आप कह सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये जो केस है वो किसका है, डाउन स्ट्रीम का है, ये किसका केस है, डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम वाले केस में क्या होगा कि मोशन ऑफ स्टीमर जो होगा मोशन ऑफ स्ट्रीम के एक ही साइड में होगा, मीन इज अलॉन्ग द डायरेक्शन और इज इन द सेम डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होगा बच्चे कि आप खुद सोचो, कॉमन सा सेंस है, कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर स्टीमर जो है वो आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आपका वाटर का फ्लो भी हो तो उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, सिंपल सा आपका थॉट है कि उसकी स्पीड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो उसमें क्या होगा, बढ़ने का मतलब क्या, वो प्लस हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम वाले केस में आपके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और अप स्ट्रीम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा तो उसमें आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसमें आपका जो स्पीड होगा वो घट जाएगा ना, ना स्टीमर जो है वो आपका उस डायरेक्शन में जा रहा है और मान लो कि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको तो वो आपका क्या करेगा, अपोज करेगा उसको उधर आगे जाने से, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी क्योंकि उसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो जाएगा फिर, तो उस केस में जो है वो स्पीड घट जाएगी तो उस केस में माइनस होंगे, ठीक है। सो इन सच केसेस यू कैन अज्यूम लाइक दैट। तो बच्चे यहाँ पे ये चीज बोला गया था, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। देखिए ये स्ट्रीम की कहानी है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में आपको बता दिया पहले, 7 आवर्स में जो है वो आपके अप स्ट्रीम में कवर हो रहे हैं और 6 आवर्स में आपके डाउन स्ट्रीम में कवर हो रहे हैं। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दिए हुए कितने 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपको निकालना है क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर का मतलब हुआ कि जो वाटर है वो बिल्कुल आपका स्टैंड स्टील कंडीशन में है, शांत है। तो इसके लिए बच्चों मैंने क्या किया कि लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टील वाटर भी 1 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि स्टीमर का जो स्पीड है वो स्टील वाटर में वो आपका 1 किलोमीटर पर आवर है, यानी कहने का मतलब कि जो शांत वाटर है उसमें आपका स्टीमर की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्टीम जो है वो आपका 2 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग जो है वो निकाले हैं क्या कि स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड निकालनी है स्टीमर का किसमें, डाउन स्ट्रीम में, तो स्पीड निकाल स्टीमर का डाउन स्ट्रीम में तो कितना होगा, मैंने कहा कि भाई ये इसमें जो है वो स्पीड बढ़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टील वाटर का है और ये आपका स्ट्रीम का है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका x प्लस 2 होगा। फिर उस तरह से अप स्ट्रीम में मैंने क्या बताया कि इसमें घट जाता है तो स्पीड आपका माइनस हो जाएगा तो x माइनस 2 हो गया। अब फिर हमने डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस जो है 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है, पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में वो x प्लस 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 6 घंटे में कितना कवर करेगा, तो 6 × x + 2 कॉमन सा चीज है। ठीक उसी तरह से आपका अप स्ट्रीम में 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है वो, तो x प्लस 2 किलोमीटर, तो उसी तरह से आपका 7 आवर्स में कितने कवर हो जाएंगे, 7 × x - 2।
अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला था बच्चे कि इट कवर द सेम डिस्टेंस, इट कवर द सेम डिस्टेंस मीन दोनों पोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इज सेम, तो हम लोग लिखेंगे 6 × x + 2 = 7 × x - 2. अब इसको हम लोगों ने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, तो 6 × x + 12 = 7 × x - 14. और यहाँ पे जो है फिर हम लोगों ने ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई. तो ये हम लोग की जो वैल्यू है बच्चे, स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टील वाटर जो है वो निकल चुका है 26 किलोमीटर पर आवर. अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. तो वेरीफाई क्या करना है इसमें कि 6 आवर्स में जो है वो ट्रेवल करना है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. तो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो है दोनों का स्पीड निकाल लीजिए. तो दोनों का स्पीड यहाँ पे निकाल सकते हो आप, यहाँ पे 28 आ जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब जो है आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो 28 × 6 हो जाएगा ना, तो 28 × 6 = आपका 24 × 7 हो जाएगा. तो यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ जाएगा 68, यहां से भी आप करोगे तो आपका आ जाएगा 68, तो 168 किलोमीटर. तो देखिए आपका ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया. तो इससे आप समझ सकते हैं बच्चों की कितना हेल्पफुल है हम लोग के लिए क्वेश्चन, कि मान लो कि आप जो है वो वोटिंग करने के लिए गए हो, तो आप जो है वो निकाल सकते हैं कि अगर स्टीमर जो है वो इतने स्पीड से जा रहा है तो उसका स्टैंड स्टील में कितना उसका स्पीड होगा. तो इस टाइप बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे में आपका क्वेश्चन आता है ट्रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, उसके बाद जो सैलरी या वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनके बाद जो है फिर मैं कह सकता हूँ कि कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर से आते हैं, जैसे रेक्टेंगल वगैरह है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोग घर पे सॉल्व करके देखेंगे, और आप लोगों को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा किसी टाइप का, एनी टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज इफ यू हैव, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आपको किसी भी तरह का डाउट है बच्चे, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, सजेशन है किसी भी टाइप का, तो प्लीज सजेशन के लिए तो आपको बिल्कुल वेलकम है, आप बिल्कुल जो है वो सजेस्ट मुझे कीजिए. तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप जरूर लिखिए बच्चों.